हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये सुंदर सी कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये नेट का कपड़ा ले लिया है और इसको इस तरह से मैं फोर फोल्ड कर लूँगी और इस पे हम ये 3 इंच का निशान लगा लेंगे और एक और 3 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमने इसको बराबर बराबर कट कर लिया है। अब हम इन पट्टियों को इस तरह से मोड़ के एक सिलाई लगा देंगे पहले। अगर आप बिना सिलाई लगाए हुए इसमें चुन्नट डाल सकते हैं तो आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे डल नहीं रही थी तो मैंने इस पहले सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से बहुत ही छोटी छोटी प्लेटें और एकदम पास पास में लगाएंगे और उस पे हम लगाएंगे सिलाई। तो ये मैंने सिलाई लगा ली और इस तरह की मैंने 3 पट्टियां बना ली हैं। अब हम एक ये कोई भी मैचिंग का कपड़ा ले लेंगे नीचे अस्तर के लिए और इस पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। आपके कान्हा जी जितने बड़े हैं आप उतना इंच का बना सकते हैं। मेरे कान्हा जी 4 नंबर के हैं तो मैंने इसको पूरा ये 6 इंच की चौड़ाई रखी है इसकी और ये जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वहाँ पे मैं इसको इस तरह से चारों ओर लगा के सिल लूँगी। और दूसरी लेयर को हमें इस तरह से सिलना है। ये बहुत ही आसान है बनाने में लेकिन देखने में भी बहुत ही प्यारी लग रही है। और तीसरी लेयर को हम इस तरह से लगा लेंगे। तो हमने ये देखिए इस तरह से इसको सिल लेना है। अगर हमारे चैनल पर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक देने से ही मुझे बहुत अच्छा लगता है और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाने का मन करता है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद नहीं भी आता है तो आप फिर भी लिख दें कि पसंद नहीं आया, तो मैं और भी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगी। तो हम इसको एक कट ऐसे लगा लेते हैं और ये इसको ऐसे सिल लेते हैं। ये देखिए हमने ऐसे लगा लिया। अब हम दूसरी लेयर और तीसरी लेयर भी इस तरह से सिल देंगे इसके ऊपर। ये बराबर आनी चाहिए। तो ये हमने तीनों लेयर सिल ली। अब चाहे तो हम इसमें लेस भी लगा सकते हैं, जैसे मैं ये लेस लगा के बता रही हूँ, लेकिन ये मैंने हटा दी थी बाद में, मुझे ज़्यादा जची नहीं थी। तो मैंने इसका घेर नीचे का बना दिया है और इस तरह से ये मोती रख दूँगी मैं। और बनने के बाद ये कुछ इस तरह की ड्रेस लग रही थी। आपको वीडियो कैसी लगी और ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिखें। थैंक यू।